गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों? जिज्ञासा, पलक, हेलो बेटा। बच्चों जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज बच्चा सीआरटी टेस्ट नंबर 26 का डिस्कशन होगा, जिसका टॉपिक था बच्चा वो आज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बच्चों जरा बताइए, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग ज्योति, अनुश्री, जरा बताइए भाई, वॉइस क्लियर है? ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों देर ना करते हुए, ये टॉपिक एक्चुअली बच्चों ना काफी इसमें डाटा बेस्ड टॉपिक है, चैप्टर बहुत ज्यादा डाटा वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डाटा भी याद करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नाइन्टी वन का डी आंसर दे दिया है ज्योति ने। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया हैज ओनली 2.4। तो बच्चों इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो क्या बेटा, 2.4 है ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। ये बात तो सही है, लेकिन इसकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, कितनी बेटा, 8.1 ऑफ टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये दोनों डाटा याद कर लेना, कभी घुमा देता है। तो लैंड एरिया तो बेटा ठीक ठाक है, कितना है, सिर्फ 2.4% है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है बेटा वो कितना है, 8.1% है। और सबसे ज्यादा डायवर्सिटी आपको पता होगा बेटा कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका में होता है बेटा, जिसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट, 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा 4, ऑल ऑफ दीज, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके तीन चार्ट दिए होंगे एनसीईआरटी में, एक इनवर्टिब्रेट का, एक वर्टिब्रेट का और एक बेटा प्लांट्स का, जिसमें से इनवर्टिब्रेट का दिया हुआ है और पूछा गया है पहचानिए कौन है। चलिए पहचान करिए, ए सी बी डी, ध्यान देख लेना बेटा, ऑर्डर सीक्वेंस वाइज नहीं, ए है फिर सी है फिर बी है फिर डी है। चलिए जवाब दीजिए। हाँ भाई राइट ज्योति, बेटा 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज में भी आता है, राइट। तो 92 का आंसर दे दीजिए, गुड इवनिंग आद्या। चलो बच्चों जवाब दे दो, 92, 92, यस। तो बच्चों अगर इसमें आपको नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, IOCM, क्या बेटा, IOCM, और बेटा ये आई है और एंटी क्लॉक चलना है, IOCM। आई से बेटा इंसेक्ट होगा, ओ से क्या होगा बेटा अदर, सी से क्रस्टेशियन, एम से हो जाएगा बेटा मोलस्क, ठीक है ना? तो बेटा अदर एनिमल ग्रुप ओ होगा, आई इंसेक्ट हो जाएगा, क्रस्टेशियन एंड मोलस्क, IOCM याद कर लीजिएगा। अब बेटा क्लियर हो गया इसका, शायद बेटा इस चार्ट में इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसमें यस राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन दूसरे उस पर कर दिया है, तो बेटा ये हो जाएगा सेकंड आंसर, क्योंकि ए क्या था, अदर एनिमल ग्रुप था, बी मोलस्क था उसमें जो लेबल था, सी क्रस्टेशियन था और डी था बेटा इंसेक्ट। तो बेटा आपको बस इतना याद होना चाहिए IOCM इनवर्टिब्रेट का, और बच्चा जब वर्टिब्रेट वाला भी अभी आगे आएगा तो उसमें बता देंगे, वर्टिब्रेट में याद कर लेना
इवोल्यूशनरी जैसे रिलेशनशिप था वैसे ही होगा, फिशेस फिर एम्फीबिया फिर रेप्टाइल फिर बर्ड्स फिर मैमल्स, ये पहचानने की है। और बेटा प्लांट में भी ऐसे पहचान सकते हो, पहले आया था लाइकेन, लाइकेन में एल्गी फंजाई, फिर मॉसेस फर्न एलिस एंजियोस्पर्म, ये पहचानना होता है जो अगर दिया जाए ए बी सी डी करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में पूछा है, अगर बेटा हम लोग कहाँ से कहाँ जाए, जरा ध्यान देखो, इक्वेटर से कहाँ पे जाए बच्चा, पोल्स की तरफ। तो बेटा आपको पता होगा ये है बेटा आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, और बेटा ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये पोल्स हैं, ये ईस्ट हो गया बेटा और ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बेटा 0 डिग्री ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन है, यहां से जा रहे हो बेटा पोल की तरफ। तो पूछा गया डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, सीमा बच्चा अगर बेटा नहीं गलत बताए हो आप, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था उसका तो एफ बी राम होगा, सबसे ज्यादा फिशेस फिर बर्ड फिर रेप्टाइल फिर एम्फीबियन फिर मैमल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना हो तो। ठीक है बच्चों, गुड। इक्वेटर पे बेटा आपको पता होगा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, टेम्परेचर सुटेबल है, ट्रॉपिकल रीजन आता है, वेरिएबल ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी रिच होगी और यहाँ पे कम होगी, तो डिक्रीजेज आंसर इज द राइट सेकेंड आंसर। और बेटा एक एग्जाम्पल याद करवा देते हैं इसी के साथ साथ। तो बेटा आपको याद होगा इक्वेटर के पास आता है, इक्वेटर के पास आता है बेटा आपका कोलंबिया, राइट, इसके बाद बेटा कोलंबिया के बाद इंडिया आता है, इंडिया के बाद बेटा आपका न्यूयॉर्क हो गया, और उसके बाद आ गया बच्चा आपका ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ये सब ट्रॉपिकल हो गया, न्यूयॉर्क बेटा 41 डिग्री नॉर्थ होगा और ग्रीनलैंड होगा बेटा 71 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। बर्ड की स्पीसीज कोलंबिया में बेटा, कोलंबिया में आपको पता होगी कितनी होगी, 1400 बर्ड, इंडिया में बेटा 1200 बर्ड्स, न्यूयॉर्क में बेटा 105 और बेटा ग्रीनलैंड में 56। तो देख लो बर्ड की स्पीसीज क्या, और ये घट रही है इसलिए बेटा याद होना चाहिए बर्ड की स्पीसीज, खास करके याद कर लेना, कोलंबिया नियर इक्वेटर के पास है बच्चा, 1400 बर्ड की स्पीसीज है, नंबर नहीं स्पीसीज की नंबर है, 1200 बर्ड इंडिया में है बेटा, 41 डिग्री नॉर्थ पे न्यूयॉर्क है 105 और ग्रीनलैंड में बेटा कितना है 1056, 71 डिग्री नॉर्थ। और साथ साथ बेटा अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पूछ लेगा तो वहां पे 1300 बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स तो कम से कम एक बार में याद ही हो जाना चाहिए आपको, 1300 बर्ड्स इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। यस राइट ज्योति, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया प्यारे बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, डाटाबेस है चैप्टर तो इसको जितना पढ़िए उतना कम है, और याद रखना बच्चों 2 क्वेश्चन तो जरूर जरूर आना होता है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, चलिए जवाब दीजिए भाई। 94 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है प्यारे बच्चों, जो बच्चों डाटाबेस टाइप के क्वेश्चन वाले चैप्टर होते हैं उसको क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है। 94 का कई लोगों ने बताया डी, ज्योति ने पहले जवाब दिया डी, आशुतोष ने बताया डी, आद्या ने बताया ऑल, यानी सारे बच्चों को पता है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए पढ़ लेते हैं, कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। तो आपको पता है इस समय बेटा आपको इसको सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बताया था, मिठाई की दुकान वाला याद करो, एक मिठाई की दुकान है जिसमें 2 वैरायटी है और एक मिठाई की दुकान है जिसमें 20 वैरायटी है, आपको पता होगा कौन ज्यादा सरवाइव करेगा, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसमें ज्यादा वैरायटी होंगी। सेम ऐसा केस बेटा हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आता है, लिविंग वर्ल्ड में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा सर्वाइवल पावर होगा। तो बेटा पहला सही हो गया, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय पॉल एहरलिच। तो बेटा आपको पता होगा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की स्टोन स्पीसीज को पता करने के लिए किया गया था, और एग्जाम्पल दिया गया था बेटा एयरप्लेन का, ठीक है ना, याद कर लेना, एयरप्लेन को माना गया था इकोसिस्टम, जो उसमें कील लगे हुए थे रिवेट्स उसको माना गया था स्पीसीज, और जो विंग्स पे रिवेट लगे हुए थे कील लगे हुए थे उसको माना गया था की स्टोन स्पीसीज। जैसे विंग हट गया तो एयरप्लेन गिर जाएगा,
वैसे ही अगर बेटा की स्पीसीज हट जाएगी तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो बात सही है, रिच बायोडायवर्सिटी इज नॉट ओनली इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल द ह्यूमन रेस ऑफ दिन पर है। तो बेटा ये तो इसको तो बोलना ही नहीं पड़ेगा इस समय, खास करके दिस पैंडमिक में आपको पता होगा कि डाइवर्सिटी की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सर्वाइवलिटी के लिए भी। जैसे जैसे हम लोग डाइवर्सिटी घटा रहे हैं वैसे वैसे आपको पता है कि घर के अंदर हम लोग दुबक रहे हैं, राइट। तो बेटा इसका कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इसमें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। बेटा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बात सत्य है, ध्यान रखना। तो 95 का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। यस स्टडी वन की स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा आपको पता होगा जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन बेटा एक लिमिटेड वैल्यू तक। रेंज था ना, मैक्सिमम रेंज क्या थी बच्चा इसका, 0.6 to 1.2, ठीक है ना। तो बेटा पहला आंसर हो जाएगा, बाकी लार्जर स्पीसीज रिक्वायर लार्ज हैबिटेट देन स्मॉलर, ये बात सही है, लेकिन की ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है ना, तो पहला आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं सही हो लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर इज फर्स्ट। और बच्चों इसमें याद कर लेना साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्या नाम है बच्चा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन के बेटा थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। और बच्चों मेरी आदत आपको है कि मैंने कई बार आपको पूछा है कि जर्मनी के आपके बायो में और भी कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, जरा जवाब दे दीजिए नहीं तो हम बता दें आपको और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं बेटा जो आपको याद हो जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एक तो हो गए बेटे आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, ठीक है ना। बाकी जर्मनी के और कौन थे भाई, कौन था बच्चा, यस राइट, जर्मन नेचुरलिस्ट, ज्योति ने सही जवाब दिया, जियोग्राफर, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों ने जवाब दिया है भाई। बाकी और यस अनुश्री, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे आपने जवाब दिया, स्लाइडन, मैथियस स्लाइडन 1831 बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। हाँ तो बेटा पूरा वर्ड याद होना चाहिए, कुछ भी मत छोड़ो, साइंटिस्ट से लेके जितने भी मोर देन लेस देन अबाउट नियर सब याद कर डालो। यस आशुतोष सरोज, वेरी गुड, जूलियस वॉन सैक, बहुत अच्छा जवाब दिया प्यारे बच्चों ने। तो जब बेटा जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन बॉटनिस्ट में दो आते हैं, एक थे बेटा मैथियस स्लाइडन, सेल थ्योरी में बॉटनी में दिया था, उसके साथ साथ बेटा आपको 1838 ईयर भी याद होना चाहिए। और बेटा याद करना चाहिए जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक आपको बच्चों याद होगा कि ये भी जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और जूलियस वॉन सैक के बारे में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1860 में बेटा इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया था, और 1854 में बेटा इन्होंने एविडेंसेस फॉर ग्लूकोज दिया था, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बताया था। तो वॉन सैक के बारे में दो पॉइंट याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 96 मैचिंग का क्वेश्चन बच्चा, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है, चलिए मैचिंग कर लीजिए। यस ज्योति, वॉन सैक के बारे में बच्चों दो पॉइंट याद रख लीजिएगा। बताइए भाई वॉन सैक के बारे में, नाइन्टी सिक्स का मैचिंग हो गया, ठीक है। चलिए मैच करते बेटा राइनोसिरॉस, तो बेटा ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, प्रोजेक्ट राइनोसिरॉस ये भी याद कर लीजिएगा। इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट होता है,
तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी पे जहां पे होगा उसी जगह कंजर्व कर लीजिए। एक्स टू टू कंजर्वेशन बेटा ऑफ साइट होता है, हॉट स्पॉट, इसमें हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाएगा। मैचिंग हो गई होगी, आंसर बेटा फर्स्ट। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा भाई। स्टडी वार्म, अनुश्री, महमूद, सबा, आशुतोष सरोज, सीमा, मिस्टर स्मार्ट, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। काजीरंगा बेटा प्रोजेक्ट राइनोसिरास होता है। फर्स्ट नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा बेटा तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क याद रख लेना। और बेटा अगर लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो नागा अर्जुन सागर श्री साईलाम याद कर लीजिएगा। और इसका अभी लेटेस्ट नाम बदल दिया गया बेटा, राजीव गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971, को एक्सटिंक्शन मींस क्या होगा भाई? को एक्सटिंक्शन अभी लास्ट में इस चैप्टर को खत्म करते करते बेटा आपको चार पांच पार्क के बारे में तो बता ही देंगे। तो बेटा आपको पता होगा को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, को मतलब साथ साथ, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, तो वही जो साथ साथ विलुप्त होंगे भाई जो क्या होंगे, ऑब्लिगेट होंगे, जिनका एसोसिएशन कैसा होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। जैसे फिग एंड वास्प, अगर फिग खत्म हो गया तो वास्प को बेटा सेफ प्लेस नहीं मिलेगा फॉर एग लेइंग, और वास्प खत्म हो गया तो फिग को पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ऐसा मतलब बेटा एक्सटिंक्शन ड्यू टू ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है ना, जिंदा भी साथ साथ मरे भी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हॉट स्पॉट्स, सर्वाइज इन सीटू कंजर्वेशन, कवर्स लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, कैन रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन, ऑल ऑफ द एबव। बताइए भाई, नाइन्टी सेवन इज डी, सिंपल है बच्चों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो बेटा इन सीटू कंजर्वेशन में आएगा, ये बात तो सही है, आपको पता होगा बेटा 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, टोटल हॉट स्पॉट हैं बेटा 34, इनिशियली कितने थे बेटा 25, बाद में ऐड किए गए 9। तो बेटा अगर हॉट स्पॉट पूछा जाएगा तो बेटा इनिशियली कितना था 25, और बेटा 9 ऐड किया गया था बॉड में, ऐसे याद कर लीजिएगा, टोटल कितना था बेटा 34, ये भी याद कर लेना। और बेटा बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने, स्टडी वार में भी दे दिया, हम पूछने वाले थे, कोई बात नहीं बच्चा। रिड्यूस, ये जो बेटा ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन है उसको रिड्यूस कर सकता है या ऑलमोस्ट बाय 30%, 30% रिड्यूस कर सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट बाय 30%, ठीक है ना बच्चों। बेटा जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स। तो बेटा आपको पता ही होगा, सिंपल सा इसका जवाब है, कहाँ से आया था बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इनिशियल बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कवर कितना था 14%, रिड्यूस होके कितना हो गया बेटा 6%, लगभग लगभग 8% क्या हो गया बेटा इसका, खत्म हो गया पार्ट। तो ये पूरा डाटा ऐसे याद करिएगा, इनिशियल कितना था बेटा 14%, बाद में अभी कितना बचा बेटा 6%, रिड्यूस कितना होगा 8% घट गया, ठीक है ना। और बच्चों एक पॉइंट और याद कर लेना, क्या करने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल के लिए, ग्रासलैंड बनाने के लिए, एंड सोयाबीन कल्टीवेशन, ये भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बच्चों जैसे ही रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट मिले उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम पास आने वाला है, इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको बेटा आसान रहेंगे क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस आप थोड़ी सी जल्दबाजी में खुद गलत कर जाते हैं। ठीक है बच्चों,
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, जरा बताइए। 100। ठीक है प्यारे बच्चों ने जवाब दे दिया, सेकंड इज द आंसर। चलो पढ़ते हैं बेटा। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बेटा ये बात तो सही है। एक बात याद रखो बच्चों, जैसे मान लो 2020 की प्रोडक्टिविटी मान लो ऐसे समझ लो 20 टन थी, ऐसे एक ऐसे तो 170 बिलियन टन होता है, तो मान लीजिए 170 थी, तो 2021 की कैसी होनी चाहिए, 171 हो या 168 हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 हो जाए या घट के 100 हो जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों, स्टेबल वही माना जाता है जिसमें धीरे धीरे चेंज हो। अकॉर्डिंग टू टिलमेंस, तो बेटा डेविड टिलमेंस ने प्लॉट दिया था, प्लॉट पे एक्सपेरिमेंट किया था, और ऐसा प्लॉट जिसमें बेटा ज्यादा वेरिएशन होगा, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन्होंने लिखा है ना, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू लोअर प्रोडक्टिविटी। तो गलत हो गया, प्रोडक्टिविटी क्या होगी बच्चा, हायर होगी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हायर होगी। तो इसलिए बात गलत हो गई, बाकी दोनों बात सही है। आपको पता बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो बेटा ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं स्टेबल कम्युनिटी उसको क्या करती बेटा, उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 101 सेक्रेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन। तो बच्चा सेक्रेट ग्रुप्स का बड़ा एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो जरा जवाब दीजिए भाई। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेट ग्रुप्स, ये बेटा इन सीटू कंजर्वेशन, बच्चा याद कर लेना एक बार जरूर, इन सीटू और एक्स सीटू से एग्जाम्पल जरा पूछता है। तो बेटा इन सीटू में आपको याद होना चाहिए नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सॉरी नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन ही, नेशनल पार्क, उसके बाद बेटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेट ग्रुप्स। ये किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं बेटा आपके इन सीटू कंजर्वेशन में, जिसमें बेटा सेक्रेट ग्रुप्स में खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय में होती है, अरावली बेटा राजस्थान में होती है, एंड वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। यानी सारे आंसर सही हैं, और बेटा तीन बच गए, और सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। जरा बता दीजिए इसका लोकेशन, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर। यस राइट, एमपी। तो बेटा सारे सेक्रेट ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए बाई टंग, खासी एंड जयंतिया हिल इन मेघालय। देखो अरावली तो याद रहेगा, अरावली में बेटा आरे हैं, और राजस्थान में भी क्या है, आरे हैं, तो अरावली आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे याद कर लेना, मेघा मतलब होता बारिश, तो मेघा होने पे जयंतिया को क्या आ गई, खांसी। मेघा मतलब बारिश, तो बारिश होने पे जयंतिया को क्या आ गई बेटा, खांसी। ऐसे याद कर लेना, बाकी याद हो जाएगा आपका। अरावली में बेटा रा है, सरगुजा, चंदा, बस्तर किस में होता बेटा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू। अगर बेटा किसी रीजन में बायोडायवर्सिटी की लॉस होती है तो क्या क्या हो सकता है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परटर्बेशन, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, ऑल ऑफ दिस।
यस, तो बेटा सिंपल सा है, सारी चीजें होंगी ऑल ऑफ दीज, ये बातें आपको कई बार पता है इसलिए बताएंगे नहीं। प्रोडक्टिविटी बेटा इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वेलकम। अच्छा है, तो बेटा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी तो होना चाहिए, देख लो देख लो, प्रोडक्टिविटी तो हायर होना चाहिए लेकिन ईयर टू ईयर प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये बात कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 103, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग इज, चलिए बताइए भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 103 का आंसर दीजिए भाई, यस डी, 103 का डी, क्या बात है भाई, आज ही पेपर करके आज ही ये हाल है आप लोग का। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो बेटा लेस है, तो लेस से क्या हो जाएगा, मोर, मोर देन 25% ऑफ ड्रग ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट, और बेटा कितने प्लांट है बेटा, 25,000 प्लांट स्पीसीज, ये भी याद होना चाहिए साथ, 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट से बेटा ड्रग निकाले गए हैं, वो भी कितना बेटा, मोर देन 25% है, लेस नहीं है। स्पीसीज टाइम रिलेशनशिप ऑब्जर्व बाई अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, तो बेटा टाइम नहीं था, स्पीसीज एरिया था, सिंपल सिंपल चीजें बच्चा, स्पीसीज एरिया होता है, यही पकड़ते तो आंसर मिल जाता आपको। थर्ड, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, हाँ भाई मोर देन होगा, चलिए इसलिए कहते हैं बच्चों क्वेश्चन तो लगता है सिंपल, और ऐसे क्वेश्चन आप करके एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ भाई ये आंसर मिल गया हमें, लेकिन घर आते आते गलत हो जाता, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव, तो बेटा किसी क्या होगा, डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेस, ठीक है ना, फंक्शनल रोल होता है नो दे दिया है, वेरिएबल नहीं होता बेटा, इन वेरिएबल रेंज ऑफ कंडीशन होता है। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अब बेटा नीश में आपको याद करना होगा, कई बार लोगों को बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट इज नीश, तो बेटा फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल है दैट डिफाइंड इट्स नीश, ये कैसा रिसोर्स यूटिलाइज करता है वो भी डिफाइन करता है बेटा, रिसोर्सेस इट यूटिलाइजेस। जैसे एक पेड़ पे, आपको कई बार एग्जांपल यही देते हैं, एक पेड़ पे बेटा एक फ्रूट ईटिंग बर्ड है और एक सीड ईटिंग बर्ड है, तो दोनों का हैबिटेट पेड़ है लेकिन रिसोर्स अलग अलग है, एक फ्रूट खा रहा है और एक बेटा सीड खा रहा है, एक इंसेक्ट वाला है इंसेक्ट खा रहा है, तो ये सबका अलग अलग रोल हो गया फंक्शनल, तो बेटा क्या हो जाएगा, अलग अलग इकोलॉजिकल नीश होगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ए बी सी डी दिया है, इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 105, एक सौ पांच का जवाब दीजिए भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नाउ कवर अराउंड 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, ट्रू है भाई, आपको पता था पहले कितना था, 14%, रिड्यूस हो गया कितना बेटा, 6% के आसपास। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन, ये भी बात ट्रू है। एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड बाई हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी बात सही है भैया, घर छीन ले रहे हो उनका, इतना माइग्रेशन उनका होता है तो एरिया छोटे छोटे हो जाएंगे तो माइग्रेशन उनका अफेक्टेड होगा।
मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरी आर बैडली अफेक्टेड बाई हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी बात सही है भाई, टेरिटरी बहुत, नहीं, ये तो भाई स्मॉल टेरिटरी दिया है ना, तो लार्ज टेरिटरी होना चाहिए भाई। छोटा टेरिटरी होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े जगह पे रहते हो जैसे तुम ही हो, अगर भाई बंगलों में रहते हो और तुम्हारा घर तोड़ के एक छोटा सा मकान बना के दे दिया जाए झोपड़ी, तो रहोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो बेटा ये लार्ज नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, लार्ज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, ये फाल्स है। ठीक है, थर्ड में क्या दिक्कत है भाई? एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, माइग्रेशन मतलब बेटा इधर से उधर जाना, द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट 22% इज मच लेस देन दैट ऑफ एनिमल्स 70%। व्हाट कुड बी द एक्सप्लेनेशन टू हाउ एनिमल्स अचीव्ड ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन? क्योंकि बच्चा वो ताने एक्सपोज हो जाएंगे। वन जीरो सिक्स, यस राइट, सेकेंड इज द आंसर। एनिमल नॉन मोटाइल है, कोई बात नहीं हुई। देयर मूवमेंट टू डाइवर्स हैबिटेट्स रिजल्टेड इन मोर इवोल्यूशनरी चेंजेस अकरिंग इन एनिमल्स। तो भाई ये मूवमेंट करते हैं और हर हैबिटेट में जा सकते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। बाकी ये दोनों कोई बात ऐसा नहीं हुआ कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या डीएनए उनका अलग है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन फॉरेस्ट इज होम टू 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 420 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड एम्फीबियन, 370 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 125,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तान्या माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, जैसे मान लो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो एक जगह से दूसरे जगह उनका मूवमेंट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी हैबिट। आज उन्होंने अपना आशियाना यहाँ बनाया है तो हो सकता है कल कहीं और बनाए, तो उनको भाई जड़ बड़ी टेरिटरी चाहिए फॉर माइग्रेशन। तो बेटा सिंपल सा था, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। और बच्चों खास करके ये पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए, एक कम है बेटा प्लांट का, प्लांट एंड मछलियों का, तो मोर देन 40,000 प्लांट्स होंगे। और बच्चा जो फिशेस यानी मछलियां होती हैं यहाँ पे वो होती बेटा 3,000 बस, बाकी आपको दिया हुआ 1300 बर्ड्स है, 427 क्या है मैमल्स और एम्फीबियन दोनों बराबर हैं, और रेप्टेलिया क्या बेटा 378, बाकी मोर देन 125,000 क्या हो गया बच्चा आपका, क्या हो गया आपका स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट। ये याद कर लेना बच्चों। और इसमें एक डाटा और याद होना चाहिए आपको, क्या याद होना चाहिए? 20% ऑक्सीजन लंग्स ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द मेडिसिनल प्लांट रॉवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, इसमें बेटा एक केमिकल पाया जाता था रिसर्पीन, इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, ये कौन सी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, नन ऑफ देम। ऐसे तो बच्चा डाइवर्सिटी कई लेवल पे होती है, लेकिन आपकी मेन तीन लेवल होती है, इकोलॉजिकल, जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसमें से कौन सा है ये ऊपर दिया हुआ एग्जाम्पल,
तो ये सही बात बताया बच्चों आप लोगों ने, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसमें अलग स्ट्रेन होगा और इधर अलग स्ट्रेन, स्पीसीज सेम है लेकिन स्ट्रेन अलग अलग है। कैसे कोरोना वाला है, पिछले 2020 में जब आया था पिछली बार गर्मियों में तब कैसा था, अब अलग आ गया है तो कोरोना वायरस, पोटेंसी बढ़ गई ना, वैसे ये भी है। और बच्चों आपको पता होगा इंडिया में 50,000 राइस की जेनेटिक स्ट्रेन पाया जाता है और 1,000 होता है बेटा मैंगो के, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, ये भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में बेटा आप याद कर लीजिएगा एम्फीबियन वाला, ठीक है ना। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बेटा इंडिया की स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 109 मैचिंग का क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिए। रेनू अग्रवाल संजीवनी ब्यूटी वो नहीं होती है। यस अच्छा यू आर राइट, वेस्टर्न घाट मोर एम्फीबियन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो बच्चों सिंपल मैचिंग है, देख लेना आंट्स, आंट्स हो गया बेटा, ऑर्किड हो गया, तो बेटा आंट्स में भी 20,000 होता है और ऑर्किड में भी 20,000 होता है, बस याद कर लेना, अगर पूरा अच्छे से याद करना है तो मोर देन 20,000 आंट्स हो जाएगा, मोर देन 20,000, और ये बेटा अबाउट या नियरली 20,000 है, नियरली 20,000 है। मछलियों की बेटा 28 है और बीटल्स है 3 लाख, तो 15,000 कुछ नहीं है। मैचिंग करो जरा, ए बी वन कहाँ पे है, 4 वाला, तो आंसर इज 4। हाँ नहीं रेनू सिलाजिनेला, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बच्चों जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 110 इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यस मिस्टर स्मार्ट यू आर राइट, सिलाजेनेला, सिलाजेनेला रूपेस्ट्रिस। तो प्यारे बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, चलो पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स। बच्चों पूरा डाटा याद होना चाहिए, 45,000 स्पीसीज प्लांट की हैं और उसका ट्वाइस क्या है बेटा एनिमल का है, खोजा जाना कितना है, 1 लाख से ज्यादा प्लांट और 3 लाख से ज्यादा एनिमल, ये भी याद होना चाहिए, खोजा जाना कितना बाकी है। अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर, ये भी बात सही है, 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज होती है किसका, वेस्कुलर प्लांट का, एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल टू एरिया इन मिडवेट ऑफ यूएस से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री, हैज ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट। अरे अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या रहती, राइट। तो बेटा अलग अलग करती है, वैरी करती है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा आंसर मिल गया आपको। और जैसे ही बेटा 71 डिग्री नॉर्थ आया 56 है, तो पूरे बर्ड का एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो बेटा इक्वेटर के पास कोलंबिया है, 1400 बर्ड की स्पीसीज होती है। इसके बाद बेटा आपका ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे 1300 बर्ड की स्पीसीज है, इंडिया में 1200 बर्ड की स्पीसीज है। 41 डिग्री नॉर्थ पे बेटा 105 है न्यूयॉर्क, और बेटा 71 डिग्री नॉर्थ ग्रीनलैंड है 56, बस इतना याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज एलियन स्पीसीज, कैरेट ग्रास, वाटर हैसिन, लैंटाना कमारा, ऑल ऑफ द अबव। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों, थोड़ा सा तेजी से जवाब आप लोग देते जाइए। तो 111 का जवाब दे दिया प्यारे बच्चों ने, 4, तो ये बात सही बेटा। सारे क्या है एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ये बेटा पार्थेनियम होता है इसका नाम, आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पढ़ा था चैप्टर उसमें भी पढ़ा हुआ होगा। पॉलन एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज करता है, ये आपको पता होगा।
और पार्थेनियम इसका पूरा नाम है, ठीक है ना, कंटामिनेटेड विद वीट, वीट के साथ कंटामिनेंट आया हुआ था। वाटर हाइसिंथ इसका दूसरा नाम बेटा आइकॉर्निया क्रेसिपस है, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, मछलियों की डेथ हो जाती थी। इसको लाया गया था बेटा लेडिंग हास्टिंग, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश शासन में, उनकी वाइफ लेके आई थी फॉर देयर ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीफ एंड फ्लावर। लेकिन इंडिया में वाटर की बॉडी को पूरी छा जाती थी, यूबिक्विटस हो जाती थी। लेंटाना कमारा, ये भी क्या बेटा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है, तो 4 हो जाएगा। तो बेटा ये प्लांट का है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में अगर बेटा अपन बोला जाए तो एक था अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस, मांगुर मछली जो होती है ना क्लैरियस बोलते हैं उसको, क्लैरियस गैरीपाइनस अफ्रीकन कैटफिश थ्रेट टू इंडाइजिनस कैटफिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, 112 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए जवाब दे दीजिए। हाँ भाई, स्टैंडिंग वाटर या स्टैग्नेंट वाटर, हाँ भाई क्लेरियस मांगूर है। क्वेश्चन नंबर 112, तो बच्चों देखते हैं इनकरेक्ट पूछा है, जवाब दीजिए। 112 इज 4, चलिए ठीक है, ज्योति ने जवाब दे दिया 112 इज 4, चलिए हम भी देख लेते हैं। सब सही जवाब बेटा 4 ही है, सही है, इनकरेक्ट यही है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन। तो बात तो सही बेटा, इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्पेशलाइजेशन यानी कि डाइवर्सिटी बढ़ेगी। की स्पीसीज आर दोज विच ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, तो बात सही है, इंक्रीज इन डाइवर्सिटी जनरली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये भी बात सही है। इंक्रीज स्टीपनेस इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व डिक्रीजेज स्पीसीज रिचनेस इन अ गिवन एरिया। तो बच्चों अगर हम बताएं तो ग्राफ देख लेना एनसीईआरटी में, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ मान लो हम लोग ऐसे बना रहे हैं और एक मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा स्टीपनेस जरा समझो क्या है, एक ऐसा बना है और एक ऐसा बना है, तो अगर ऐसा बनाया और आपको यहाँ पे बैठा दे और धक्का दे दें तो आप नीचे लुढ़कते हुए आ जाओगे, और ऐसा बना हुआ है आपको धक्का दे दे तो कैसे आओगे। तो कहते हैं ढलुआपन, इसको बोलते हैं ढलुआपन, स्टीपनेस मतलब ढलुआपन, बस इतना याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा इसका और इसकी बात करें, अगर ए ए है और ए बी है तो ए का स्टीपनेस ज्यादा है, और बेटा स्टीपनेस से यहां से निकल के आता था बेटा, आपको पता होगा एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड होता था, लॉग लगा दो तो बेटा लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए होता था। तो बेटा आपको यही हो गया ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम इज द स्लोप, तो जेड इज द स्लोप, यानी लाइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट है, स्लोप होता है, और बच्चों आपको पता होगा स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, राइट, क्लियर। तो बेटा कहने का मतलब जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा उतना ज्यादा टेन थीटा की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा स्लोप होगा, यानी उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ जेड होगा, क्लियर। तो कहने का मतलब बेटा इंक्रीज स्टीपनेस इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व डिक्रीजेज होगा, तो नहीं भैया, जितना इंक्रीज होगा उतना ज्यादा स्टीपनेस होगा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब बेटा स्टीपनेस मतलब जेड, जेड की वैल्यू ज्यादा यानी डाइवर्सिटी ज्यादा, ढलुआपन से आपको याद हो जाना चाहिए, स्लोप आपको पता होता है टेन थीटा होता है, क्लियर हो गया होगा। अब बेटा जो आपको बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है बेटा ये आपका पॉइंट वन टू पॉइंट टू, एक डाटा ये होगा पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट टू और बेटा 1.15, ये तीन डाटा एक साथ आप इसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम्पल दिया भी होगा, जरा देख लेते हैं। 0.12, 0.2 बच्चा नॉर्मल है, आपको पता ही होगा ये नॉर्मल रेंज है। इंटायर कॉन्टिनेंट का कितना होता है बेटा वैल्यू जेड की, 0.62, 1.2 होती है। एंड फ्रूगीवोरस मैमल वगैरह का, बर्ड्स का 1.15 है, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स
देन टेम्परेट रीजन इज ड्यू टू, ये भी बड़ा पूछा जाता है, क्यों ट्रॉपिकल की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कंपेयर टू टेम्परेट, और आने की संभावना भी रहती है, जरा जवाब दीजिए। तो 13 का जवाब दिया है कई बच्चों ने, 4। चलो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा है, क्यों ज्यादा होती है। तो बेटा तीन रीजन होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल को ज्यादा सनलाइट मिलती है, ट्रॉपिकल को बेटा बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था फ्लोरिश करने को क्योंकि टेम्परेट में बर्फ से ढका हुआ था, और तीसरा होता बेटा ट्रॉपिकल में सीजनल वेरिएशन लेस होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होती है मोर कॉन्स्टेंट होती है। तो आंसर 4 हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो बेटा तीन चीजें होती है ट्रॉपिकल के लिए याद होना चाहिए, पहली तो सोलर एनर्जी ज्यादा मिल रही है, दूसरा बेटा टाइम ज्यादा मिला है फॉर इवोल्यूशन डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा बेटा पॉइंट होता है जो वेरिएशन होता है वो लेस होता है बेटा आपका किसमें, ट्रॉपिकल में, और टेम्परेट में वेरिएशन ज्यादा होता है, और जैसे टेम्परेट में वेरिएशन ज्यादा की फीलिंग आपको आती है, आप सोचते हो यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों टेम्परेट में टेम्परेचर -50 भी जा सकता है, जहां पे सर्वाइवल की कंडीशन बहुत ही लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ऑफ द फॉलोइंग, एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट मिनिमम नंबर, एल्गी रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर, फंजाई रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर, मोसेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर। चलिए जवाब दीजिए बेटा, ये प्लांट्स का जो आपका ग्राफ बना हुआ है, जरा पेज नंबर आपको बता दें, उसमें जो ग्राफ बना हुआ बच्चा ना उससे आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो बेटा पेज नंबर 260 पे दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग जवाब तो सी दे दिए हो, लेकिन बच्चों अगर देखो एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट मिनिमम नंबर, ये तो गलत हो गया क्योंकि आपको दिखा होगा फंजाई ज्यादा दिखता है और एंजियोस्पर्म ज्यादा दिखता है, तो इसलिए ये बात तो गलत हो गई। एल्गी मैक्सिमम, तो ये बात गलत हो गई। फंजाई रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात तो सही है, मोसेस भी मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन बच्चा अगर यहां पर भी मैक्सिमम हो जाता तब एंजियोस्पर्म हो जाएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, एंजियोस्पर्म को पहले नंबर पे रखते हैं। देख लीजिएगा ग्राफ, इंडिया में 17,000 से 17,500 के आसपास एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है, और 1400 के समथिंग अबाउट बेटा आपकी फंजाई की स्पीसीज है, और वर्ल्ड की बात करेंगे तो 2,58,000 बेटा एंजियोस्पर्म होते हैं, और जो फंजाई है वो 72,000 या 70,000 है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंजियोस्पर्म ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू फंजाई। क्लियर? तो बच्चों ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमने, चलो भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं मिला, इसको मिनिमम कर दियो, तो उस हिसाब से फंजाई मैक्सिमम रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई एंजियोस्पर्म ज्यादा होता है कंपेयर टू फंजाई, तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर फंजाई, फिर उसके बाद बेटा आपका बाकी सारे जो होंगे उसमें देख लीजिएगा, एलगी आएगा, देखिए सबसे ज्यादा एलगी भी दिख रहा होगा, तो एंजियोस्पर्म, फंजाई एंड एलगी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, इसको एक बार बोल दो भाई, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाए। ठीक है, डाटा नहीं याद करना है बट आपको बेटा इसका ऑर्डर याद होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, स्पीसीज रिचनेस कांट डिटरमाइन बोथ वन एंड टू। तो बच्चों ये दोनों से डिटरमाइंड होती है, नंबर भी और उसकी रिचनेस भी, यानी कि उसकी डाइवर्सिटी भी, तो ये तो सिंपल था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा फिर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज होम टू मोर देन, तो बेटा मोर देन 40,000 प्लांट होता था और 3,000 फिशेस होता था। ये आज बहुत बार डाटा बोल दिया, एक बार और बोल देते हैं, आप सुन लो। मोर देन 40,000 प्लांट्स है, तो बेटा मछलियां 3,000 होती हैं, बर्ड्स 1,300 होते हैं, 427 बेटा मैमल्स भी होते हैं और एम्फीबियन भी होते हैं, रेप्टाइल इसमें 378 होगा, एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। आगे चलते हैं भाई, ट्रॉपिक्स। बेटा ये आपका लेटिट्यूडनल रेंज है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, तो बेटा ये ट्रॉपिकल रीजन्स है, तो इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 118, द एविल क्वार्टेट इज द सॉब्रिकेट यूज टू डिस्क्राइब, सॉब्रिकेट मतलब उपाधि, कहने का मतलब बच्चा इविल क्वार्टेट उपाधि किस लिए दिया जाता है, तो बेटा बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण के लिए दिया जाता है इविल क्वार्टेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आपको भी पता होगा हर मुश्किल झेल जाओगे लेकिन घर छीन लिया जाए तो आप टूट जाओगे, तो कहने का मतलब होता है बच्चा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। उसके बाद बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन, ये चार इविल क्वार्टेट थे। क्वेश्चन नंबर 119, चलिए जवाब दीजिए। वन हंड्रेड नाइनटीन में बच्चा अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा है द रीजन बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो बच्चों एक तो होता है कि नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब इससे आपको क्या फायदा मिलता है, ये डायरेक्ट बेनिफिट की बात करता है, मतलब नहीं कोई पौधा लगाए फ्रूट लगाए कितना आपका पैदावार हुई, दैट इज मतलब आपका डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, रबर मिल रहा है पैदावार मिल रही डायरेक्ट बेच खा ले रहे हो उसके ऊपर है। ब्रॉड यूटिलिटेरियन ये बेटा इसका ब्रॉड वैल्यू इकोलॉजिकल की बात करते हैं, ये इकोलॉजिकल की बात करते हैं, मतलब इकोलॉजी को क्या फायदा पहुंचाते हैं, कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधे लगाओगे तो रेन वाटर साइकिल सही अच्छी से रहेगी, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक का पोल्यूशन डाउन होगा और साथ ही साथ बेटा ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ी रहेगी, ठीक है ना। इथिकल में कहते हैं कि भैया जैसे जियो और जीने दो, जीवो पे दया करो, ठीक है ना, हमारे उसके प्रति जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं वैसे वो भी रहने का अधिकार है, इस टाइप की बात किया जाए, दैट इज इथिकल, तो सारे इसमें आते हैं। फोर, तो बेटा ब्रॉडली मतलब इनडायरेक्ट वैल्यू हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और बेटा डायरेक्ट बेनिफिट, और हम लोग तो जानते हो डायरेक्ट वाले भी ज्यादा फायदा करते हैं, तो नैरोली यूटिलिटेरियन बोला जाता है इसको। नहीं कहते हैं यार कितने बड़े बेकार हो, अपना ही फायदा देख रहे हो दूसरे का फायदा नहीं देख रहे हो, तो नैरो माइंडेड भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब उसका फीचर नहीं है बच्चा, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन, मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, तो बेटा ये कोई बड़ी बात तो ही नहीं, पोलर रीजन में बेटा ज्यादा नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं ट्रॉपिक्स में, क्योंकि डायवर्सिटी कहाँ ज्यादा होती है बेटा ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होती है, और साइज से बात करें तो बेटा एंडेमिक का मतलब होता है स्पीसीज कन्फाइंड टू एनी एरिया, मतलब नॉट फाउंड एनी वेयर, किसी एक एरिया में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, जैसे पांडा कन्फाइंड टू चाइना, तो चाइना के लिए एंडेमिक है क्या पैंडा। क्वेश्चन नंबर 121, अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज इन लास्ट 500 ईयर्स, कितने स्पीसीज बेटा लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो गए, तो बेटा देख लेना आईयूसीएन 2004 लिस्ट है, लेटेस्ट नहीं है बहुत पुराना है, 17 साल पुराना लिस्ट है, अभी तो सारी कहानी बदल गई है, तो बेटा 784 लास्ट 500 ईयर में क्या हो गया बेटा एक्सटिंक्ट हो गए। एक फार्मूला याद कर लेना VIP, वी से बेटा वर्टिब्रेट 338, 88 दोनों में आएगा, वर्टिब्रेट 338, इनवर्टिब्रेट 359,
और बेटा प्लांट क्या होते हैं 87, ये भी कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। तो बेटा आपका हो जाएगा 784। और बेटा ये मैंने वीआईपी बता दिया, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट्स, वर्टिब्रेट 338, इनवर्टिब्रेट 359, प्लांट इज 87। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू, तो बेटा पैसेंजर पिजन किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गया था? इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटरी बर्ड्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, बर्ड फ्लू वायरस इंफेक्शन। यस अच्छा, यू आर राइट, राइट सबा। तो 122, यस वेरी गुड बेटा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो बेटा पैसेंजर पिजन के साथ साथ स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ ऑफ रसिया, ये दोनों बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से निपट गए बेचारे। दोनों एक साथ याद कर लीजिएगा, स्टीलर सी काउ ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज, तो बेटा ये तो आपको याद होना चाहिए था, तो सिंपल है बेटा, आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अब मैं आपको बेटा बिलियन वाले खास करके याद करवाना चाह रहा हूँ। तो बेटा आपको पता होगा अर्थ की ओरिजिन यूनिवर्स की ओरिजिन 20/4.5 अर्थ होता है, 4 होता है बेटा फर्स्ट लाइफ, 3 होता है बेटा आपका नॉन सेलुलर, और 2 होता है बेटा सेलुलर। तो इतना तो एक बार याद ही कर डालो, 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स की ओरिजिन है, अर्थ की ओरिजिन बेटा 4.5 बाया, सब बाया है, बिलियंस ईयर्स एगो है, ठीक है ना, 4 बाया बेटा फर्स्ट लाइफ आई थी, लाइफ की अपीयरेंस हुई थी अर्थ के फॉर्मेशन के 500 ईयर्स आफ्टर, तो 500 साल बाद, मतलब कितना 500 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4। 3 में बेटा नॉन सेलुलर होता था, 2 में सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है ना। बिलियन का बात किया है तो बेटा सारे बिलियन तो आज खत्म कर देंगे, तो बेटा आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए कि बेटा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी बेटा 1.2 बिलियन है, और वर्ल्ड में बेटा कितनी है 7.2 बिलियन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिशस, अफ्रीका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चों याद कर लेना, मॉरिशस से डोडो आया था, आंसर इज फर्स्ट, अफ्रीका से बेटा क्वेगा है, ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल का है, और बेटा ये जेब्रा की सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज ऑफ जेब्रा, राइट। रसिया से बेटा अभी बताया था आपका स्टीलर सीकाउ, ऑस्ट्रेलिया से बेटा है एक कार्निवोर वोल्फ जैसा है थैलासीन, कार्निवोरस वोल्फ दैट इज थैलासीन। बाली, जवान, कैस्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर हैं, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, क्वेश्चन क्या देखते हैं, एन एक्सोटिक स्पीसीज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट्स नेटिव स्पीसीज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन, तो एन इन्वेजिव स्पीड बोलते हैं, सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं 126, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, तो बच्चों ये भी आपको याद होता है 34,
और इनिशियली कितना था बेटा 25, बाद में कितना ऐड किया 9, ऐसे पूरा आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। इनिशियली कितना था बेटा 25, बाद में कितना ऐड किया गया था 9। Among the ecosystem mentioned below, where can one find maximum biodiversity? इतने में से किसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी? मैंग्रोव्स, डिजर्ट, कोरल लीफ, एल्पाइन मीडोज। यह सिंपल सा था बेटा, कोरल लीफ में ज्यादा होगी, देख के ही लग रहा था आपको। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो कहने का मतलब इसमें से तीन क्या होंगे इन सीटू का, एक्सेप्ट मतलब अपवाद है, यानी एक्स सीटू का एग्जांपल ढूंढ लो। तो जीन बैंक क्या हो गया बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो आंसर 4 हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये बेटा होते हैं आपके इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 129, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट? स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नन ऑफ दीज। तो बेटा 129 का क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, स्पीसीज ज्यादा है तो दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का बेटा एग्जांपल पहला था राउ वोल्फिया वोमटेरिया, इसमें एक्टिव केमिकल पाया जाता था जिसका नाम था रिसर्पीन, डिफरेंट हिमालयन रीजन में ग्रो किया जाता था और बेटा अलग अलग होता था। रिसर्पीन हाइपर टेंशन में दिया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको मैंगो का याद होगा बेटा 1000 वेरायटी पाई जाती है, और बेटा राइस की पाई जाती है 50,000 से ज्यादा, तो मोर देन 50,000 जेनेटिकली स्ट्रेन ऑफ राइस। बच्चा राइस जब भी याद करना, तो मैंने बोला था साथ साथ बहुत सारी चीजें याद कर लेना, एक तो बेटा 50 के, एक तो 2 लाख और एक 27, ये तीन डाटा राइस के साथ आपको याद होना चाहिए। 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस है, 2 लाख वराइटीज ऑफ राइस है, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में दिया हुआ है, नहीं आपके बायोडाइवर्सिटी में दिया है, और बायोटेक्नोलॉजी में बेटा 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है ना, और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई 130, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, बताइए भाई अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, तो बच्चों सिंपल सा है रियो डी जनेरियो 1992। तो अर्थ समिट बेटा कहां पे हुआ था बेटा, रियो डी जनेरियो ब्राजील है, ब्राजील में हुआ बच्चा, रियो डी जनेरियो ब्राजील, ईयर था बेटा 1992। और वर्ल्ड समिट जो बेटा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन एन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इट रिप्रेजेंट? तो बेटा ये था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी आपको तीनों डाइवर्सिटी बताया था, ठीक है। तो सारे डाइवर्सिटी याद कर लेना। स्पीसीज डाइवर्सिटी में बेटा वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है ईस्टर्न घाट से, पहला एग्जाम्पल ले था। इकोलॉजिकल में बेटा आपका इंडिया की इको सिस्टम डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से ज्यादा होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको कई बार बता दिया, राउ वोल्फिया वोमटेरिया बताया था, एक्टिव केमिकल पाया जाता था रिसर्पीन, इंडिया में बेटा मोर देन 50,000 जेनेटिकली स्ट्रेन पाया जाता था राइस के, और 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया 40, 93, 44, 348, 448।
तो बेटा ये भी डाटा बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या है। तो 132 448, तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 होती है, आंसर इज 490 होता है बेटा। नेशनल पार्क, ये पुराना डाटा है बेटा, लेकिन आपको यही याद रखना है। और 14 होते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके स्क्रीन पे 133। हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अभी बताया था 20% होता है बेटा ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 135, एंडेमिक स्पीसीज इज नोन एज। चलिए जवाब दीजिए। स्पीसीज कंफाइंड टू अ पार्टिकुलर प्लेस एंड नॉट फाउंड एनीवेयर, दैट इज एंडेमिक टू दैट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 135, 135 का जवाब दीजिए भाई। विच डज नॉट कम अंडर HCO2 कंजर्वेशन। तो बेटा आपको पता होगा जियोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये तीनों हैं HCO2। कौन नहीं आता बेटा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो आंसर इज 4। अब बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करें तो इनिशियली बेटा कितने थे, 25, ऐड कितने किए गए बेटा 9। टोटल अगर कवर देखा जाए तो बेटा लेस देन 2% होता है, ये भी डाटा साथ में याद कर लेना। हॉट स्पॉट का लेस देन 2% कवर है टोटल वर्ल्ड में। अब बेटा ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन को बेटा रिड्यूस करते हैं बाई 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ वॉज मेड बाई रॉबर्ट मे, पॉल एहरलिच, डेविड टिलमैन, बोथ 1 एंड 2। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा एक्सटीमेशन लिया था, एक्सट्रीम केस था। तो कई साइंटिस्ट बोले कि भाई 20 से 50 लाख, 50 मिलियन है, लाख नहीं है भाई, 20 to 50 मिलियन स्पीसीज हो सकती है। फिर रॉबर्ट मे ने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू की बातें मत करिए, 7 मिलियन। तो बेटा रॉबर्ट मे ने दिया था 7 मिलियन एस्टिमेशन, आंसर इज फर्स्ट। नीट 2020 में भी इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है, रॉबर्ट मे के बारे में। तो बेटा 7 मिलियन साइंटिफिकली साउंड अच्छा लग रहा था कि भाई 7 मिलियन होगा, 20 से 50 मिलियन बेटा एक्सट्रीम एस्टिमेशन था। पॉल एहरलिच बेटा आपको पता होगा रेबेट पॉपर हाइपोथेसिस था, और डेविड टिलमैन प्लॉट पे बेटा क्या किए थे, स्टडी किए थे प्लॉट विद मोर डाइवर्सिटी सो हायर प्रोडक्टिविटी एंड लेस वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। बड़ा याद रखना, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम होगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। तो आपको पता बेटा बाली, जवान, कैस्पियन सब स्पीसीज है। क्वेगा क्या है बेटा आपका, सब स्पीसीज ऑफ जिब्रा है, जिब्रा की सब स्पीसीज है। ठीक है, ये क्या बोलता है बेटा, डोडो मॉरिशस का था। क्वेगा साउथ अफ्रीका की, जिब्रा की सब स्पीसीज है। थैलासिन ऑस्ट्रेलिया की है, और बेटा स्टीलर सिकाओ रशिया की है। क्वेश्चन नंबर 138, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ आंट्स आर देयर ऑन अर्थ। 30,000, 28,000, मोर देन 20,000, 20,000। ज्योति डेली 8 8 बजे के आसपास बेटा, 8 to 8:30।
ठीक है भाई। तो ये बेटा यहाँ पे याद कर लेना, आंट्स वाला क्या था, मोर देन 20,000 था, और ऑर्किड का भी डाटा सेम है, ऑर्किड का बेटा नियरली 20,000 है, तो दोनों एक साथ याद कर लेना। तो बेटा आंट्स का मोर देन 20,000 है, ऑर्किड का नियरली 20,000 है, मछलियों का 28,000 था, और बेटा बीटल्स का था मोर देन 3 लैक्स। चलिए आगे, नंबर ऑफ बाइस पर रिजर्व एंड नेचुरल, भाई नेचुरल नहीं है ये, नेशनल होगा, ठीक है ना, नेशनल पार्क्स इन इंडिया रिस्पेक्टिवली, क्रमशः कितने होंगे जरा बताइए भाई। वन थर्टी नाइन, तो बच्चा आपको पता होगा बाइस पर रिजर्व कितना होता है 14, और नेशनल पार्क कितना होता है 19, और बेटा 448, 19 नेशनल पार्क हो गया, 448 होता है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतनी बार बेटा हमने बोला है, हो सकता है आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, इन एक्स सीटू कंजर्वेशन ओनली थ्रेटेंड प्लांट्स आर केप्ट इन स्पेशल सेटिंग। तो भाई एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट, तो भाई किसको लाओगे, जो मरने वाला होगा या जिसको खतरा होगा, राइट। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल्स आर केप्ट इन स्पेशल सेटिंग, तो बेटा प्लांट्स और एनिमल दोनों को लाया जाता है स्पेशल सेटिंग में। गैमिट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज आर प्रिजर्व, इसको भी प्रिजर्व किया जाता है, गैमिट्स को भी आजकल, तो बेटा क्या हो जाएगा, स्कोप बढ़ गया है, तो आंसर इज 4, 2 एंड 3। यस आकाश सेनापति, सही जवाब दे रहे हो बेटा आपने, 33 नहीं होगा हॉटस्पॉट, 34 होगा, इनिशियली 25 था, बाद में 9 ऐड किया गया था, तो आंसर इज 4। गैमेट, पहले तो बेटा प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करते थे, अब स्कोप बना दिया गया, जीन बैंक बनाया गया है बेटा, गैमेट स्पर्म बैंक, ये भी एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं। सेक्रेट ग्रुप्स विच आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, चलिए बताइए भाई कौन सा ऐसा सेक्रेट ग्रुप्स है जो मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि सरगुजा चंदा बस्तर, सरगुजा चंदा बस्तर, ठीक है, सरगुजा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश में, अरावली में रा है, तो किसमें होगा बेटा, राजस्थान का सेक्रेट ग्रुप है। खासी, तो मैंने बोला था जयंतिया को मेघा से खासी हो गई, तो खासी और जयंतिया मेघालय हो गया, मेघालय में वैसे भी बारिश ज्यादा होती है आपको पता है, तो भीग गई जयंतिया तो उसको खांसी होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, फार फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी, पॉइंट सिक्स, 1.3, 1.15, 1.7। ज्योति इससे फास्ट क्या करें बताओ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1.15, और हर बार बोलते हैं, इतनी बार इसको रट लो कि बोरियत होने लगे, यही जेड की वैल्यू थी, इतना याद कर लेना। नॉर्मल रेंज 0.1 to 0.2, कॉन्टिनेंट का इंटायर 0.6 to 1.2, और बेटा ये ट्रॉपिकल फ्रूगी बोरब बर्ड और मैनमल का 1.15। चलिए, परसेंटेज ऑफ एम्फीबियन एंड जिम्नोस्पर्म स्पीसीज रिस्पेक्टिवली विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो बेटा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, खास करके पूछा है इसमें जिम्नोस्पर्म और एम्फीबियन का, चलिए बताइए। 143 का आंसर बताइए भाई। तो बेटा आपको पता होगा एम्फीबियन 32% होगा, और जिम्नोस्पर्म इससे एक कम होगा, 31% होगा, तो आंसर इज दिस। अब बचा क्या है इसमें बेटा, 23% डाटा एक बच्चा है, और एक बच्चा बेटा 12%, बहुत ज्यादा है नहीं,
23% में मैमल्स हैं और 12% बेटा बर्ड्स है। दो और याद कर लेना बस। तो अगर ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी, मोस्ट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन किसको ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, यानी एम्फीबियंस इज मोर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इकोलॉजिस्ट हैव वॉर्न्ड दैट इफ प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूज नियरली, कितने परसेंट स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली डाटा लिखा है हाफ, यानी 50%। नियरली हाफ लिखा हुआ है, लेकिन बेटा आपका हाफ मतलब क्या होगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 145, स्टीलर सी काउ बिकेम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन, पॉल्यूशन। तो बच्चों एक बार आपको बता ही दिया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द आंसर, स्टीलर सीकाओ और साथ साथ पैसेंजर पिजन। स्टीलर सीकाओ एंड पैसेंजर पिजन। तो बच्चों स्टीलर सीकाओ साथ साथ पैसेंजर पिजन, ये दोनों ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब बेटा आया था सारे बात बोल देते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल था पैसिफिक कॉलोनाइजेशन से नेटिव बर्ड की 2000 से ज्यादा स्पीसीज क्या हो गई थी बेटा, एक्सटिंक्ट हो गई थी। एक डाटा ये मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सोयाबीन कल्टिवेशन वाला डाटा मिलता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का बेटा आता है स्टीलर सीकाओ ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिजन, बेटा एक्सप्लॉयट हो गए थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, एक्सटिंक्ट हो गए थे। और बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन में एक आपका आता है बेटा आपका नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया में इसको इंक्लूड किया गया था। और बेटा मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ छिछली स्पीड एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है ना। और बेटा एक अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिपाइनस। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ आर्किड्स आर अबाउट, तो बेटा मैंने बताया था आंट्स का बेटा मोर देन 20,000 है और आर्किड्स का है नियरली 20,000, मछलियों का है बेटा 28,000 और बीटल्स का है 3 लाख। ये फिशेस का है और ये बीटल्स का है, ठीक है। और आंट्स में बेटा ज्यादा हो जाएगा बस। एडवर्ड विल्सन वाज सोशियोबायोलॉजिस्ट पर्सन हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी 1 and 2 इकोलॉजिस्ट। तो बेटा एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ बेटा इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था। तो बेटा दोनों हो जाएंगे बोथ 1 and 2। लेकिन बेटा कभी कभी बाय मिस्टेकन भी हो जाता है, टर्म बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय। तो बच्चों आपको पता है इन्होंने पॉपुलर किया था टर्म को, दिया नहीं था, दिया था W.G.Rosen ने, ठीक है ना। यस अच्छे यू आर राइट, रोजन गिव द टर्म बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 148, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हैज बीन पुट एज 7 million बाय, ये बेटा 2020 का क्वेश्चन है, रॉबर्ट में फिर से आगे घुमा के पॉल एहरलिच, इन्होंने बेटा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, डेविड टिलमैन प्लॉट के बारे में बताया थे और एडवर्ड विल्सन थे बेटा सोशियो बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 149, बायोडाइवर्सिटी इज, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बताइए भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है।
यस अनुश्री, यू आर राइट। सेकेंड, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाज अ, तो बेटा जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर दोनों थे, ठीक है ना। जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे, और बच्चों याद होना चाहिए जर्मनी के कौन थे, और साथ में साथ स्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट, और जूलियस वॉन सैक भी थे जर्मन बॉटनिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे बेटा आपके स्वान साहब। ये आया हुआ भी है सेल थ्योरी वाला, इसलिए साइंटिस्ट का प्लेस भी ज्यादा जितना हो सके पता कर लीजिएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज, क्या होता है भाई? बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या होगा भाई? यस अच्छा है, यू आर राइट बच्चा। दो दो ईयर भी याद होना चाहिए। तो बेटा आपको पता होना चाहिए बायो मतलब लिविंग, प्रॉस्पेक्टिंग मतलब सर्च करना, खोज करना। तो लिविंग की चीज को खोजोगे क्यों? तुम्हारा कोई फायदा होगा तभी तो खोजोगे ना। तो फॉर इकोनॉमिक वैल्यू, तो एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ए इकोलॉजिकल इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाउ मेनी कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। 170, 190, 198, 201। तो बेटा 190 कंट्रीज ने अपना कंसेंट दिया था खुशी खुशी, और बेटा वर्ल्ड समिट ईयर भी याद होना चाहिए 2002, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है। मैंगो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, हॉट स्पॉट इन इंडिया, ऑन साइट कंजर्वेशन, XUT 3 1000। तो बच्चों आपको पता होगा मैंगो की 1000 जेनेटिकली स्ट्रेन वैरायटी पाई जाती है। नेशनल पार्क मतलब कि ऑफ साइट है, यानी XUT हो गया, नहीं नहीं सॉरी, नेशनल पार्क है ना, तो नेशनल पार्क है, एक मिनट। मैंगो 1000 वैरायटीज, नेशनल पार्क बेटा ऑन साइट यानी इन सीटू, वाइल्ड लाइफ सफारी, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, स्पर्म बैंक, ये सब XUT होते हैं। हॉट स्पॉट कितने हैं बड़े इंडिया में? 3 है। मैचिंग हो गई 1:4, B is 1, C is 2, तो सेकेंड इज द आंसर। ठीक है भाई, 153 सी कहां से आ जाएगा भाई? वन फिफ्टी थ्री थ्री थर्ड कहां से दे रहे हैं आप लोग? मैचिंग करिए ध्यान से। मैंगो 1000 हो गया, और बी क्या है? नेशनल पार्क है, ऑन साइट यानी इन सूटू। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका रिजल्टेड इन। तो बेटा ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन का था एग्जांपल। चलिए जवाब दीजिए आप। इन्वेजन मतलब बच्चा आक्रमण। तो बेटा क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ सिचिलिस फिश। अगर डाटा याद होना चाहिए बेटा सिचिलिस फिश का, तो मोर देन 200, मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचिलिस फिश, ठीक है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आंसर पूछा है 155 में, चलिए जवाब दीजिए।
सेक्रेट ग्रुप्स फाउंड इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन राजस्थान, तो बेटा राजस्थान है तो अरावली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरावली। खासी और जयंतिया, मेघा, मेघा मतलब वर्षा, मेघा में भीग के जयंतिया को खासी हो गई, मेघालय हो जाएगा। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992 होगा ये ईयर, इसलिए ये बात गलत हो गई। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका इन 2010, ये गलत हो जाएगा, 2002 है। एक्स यू टू कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क एंड हॉट स्पॉट, तो बेटा जूलॉजिकल पार्क तो एक्स यू टू है, लेकिन नेशनल पार्क और हॉट स्पॉट क्या होते हैं, इन सीटू, इसलिए बेटा सारे की सारे बात गलत है। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया सेकेंड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा वही आ गया बेटा, देखो पहचानने वाला प्लांट का, तो पहचानिए जरा कौन कौन से हैं, ए बी सी को पहचानना है। ए बी सी, कोई बात नहीं अनुसुनी। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा मैंने बोला था लाइकेंस पहली बार आया, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी, और क्या होता है बेटा, फंजाई, फिर ब्रायोफाइटा मॉस हो गया, एलीज फर मतलब टेडोफाइटा, जिम्नो नहीं दिया, एनजीओ है, ठीक है। तो बेटा बी हो गया एल्गी, ए हो गया फंजाई, सी हो गया एनजीओ, तो ए फंजाई, सी और बी एल्गी और सी एंजियोस्पर्म, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 157, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछा है भाई, दैट इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, और बच्चों याद होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर प्रोजेक्ट राइनोसेरोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, तो बेटा ये सारे कंपोनेंट की डाइवर्सिटी निकालनी जाएगी ना, तो द सम टोटल ऑफ वेरिएशन ऑफ ओरिजिन इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर, ठीक है ना बेटा। डायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप स्पीसीज, नंबर, साइज, शेप, उसका अपियरेंस, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में क्या क्या देखा जाता है, चलिए जवाब दीजिए। लो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, तो बेटा हाई डिग्री होता है, इसलिए बात गलत हो जाएगी। एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस बाय ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का लॉस एक्सीलरेट हो रहा है, भी बात सही है। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, भी बात सही है। हॉट स्पॉट कुड रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन बाई ऑलमोस्ट 30%, ये भी बात सही है। 2, 3, 4 ढूंढिए जरा, आंसर इज थर्ड। ठीक है भाई, 159 इज सी, सबा, अच्छा, ज्योति, मिस्टर स्मार्ट, ठीक है भाई बच्चों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चलिए भाई 160 का जवाब दीजिए, 160 160, बच्चों ये हमारा नया चैनल है न्यू लाइट नीट प्रयास, और बेटा इसमें क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक होता है, तो इसको बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे नए हैं या जो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, और क्लास ठीक लगे अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, भाई ज़्यादा खाओगे तो निपट जाएगा ही। कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, अरे तो इनको बचा रहे हो ना, तो जब जिसको बचाओगे तो कहाँ से कॉज करेगा, तो आंसर इज सेकेंड, 161 इनकरेक्ट पेयर बेटा। तो बेटा आपको पता है डोडो कहाँ का होता है, मॉरिशस का होता है, तो न्यूजीलैंड दे दिया, इसलिए बात गलत हो जाएगी। ठीक है, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया का होता है, कोएगा अफ्रीका का होता है, स्टीलर सिकाओ ऑफ रसिया, ठीक है।
एमंग द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड। तो इन दोनों को ज़्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा है, तो सबसे ज़्यादा किसको होगा बेटा आपको, एम्फीबियंस को खतरा है। 31% क्या होता है बच्चा, जिम्नोस्पर्म। 31% जिम्नोस्पर्म, 12% बर्ड। कोई बात नहीं है अनुश्री, तो बड़ा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, एम्फीबियन। आगे बढ़ते हैं 163, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द, तो शुरू से बोलते आ गए थे ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, 20% ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो बेटा आपको पता था, IOCM बताया था मैंने, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, इंसेक्ट होंगे। आपको पता होगा बेटा 70% क्या होते हैं, मोर देन 70% एनिमल होते हैं, और उसमें से बेटा मोर देन 70% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो कहते हैं अगर 10 एनिमल है तो उसमें 7 क्या है, इंसेक्ट है। फाइव क्या पूछा है, द रीजन दैट एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन एंड दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग दैट इज ट्रॉपिक्स। यही कारण था बेटा ट्रॉपिकल में क्या हो गया था बेटा आपका, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस पाई जाती है। 166, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। चलिए बताइए भाई, 166 का जवाब दीजिए। तो आपको पता होगा बेटा लेंटेना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, तो ये तो गलत हो जाएगा, कौन सा होता है बेटा, पार्थेनियम। चलिए, स्टीलर सीका और रसिया इज एन एक्सोटिक एनिमल, नहीं भाई ये रसिया का था, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडाइजिनस कैटफिश इन रिवर, ये बात सही है। पार्थेनियम इज एन इंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, नहीं भाई ये कहाँ से आया था, एज अ कॉन्टेमिनेंट विद व्हीट आया था। तो खाली क्या सही हो गया, सी, आंसर इज थर्ड, ओनली सी इज करेक्ट। सही बात बता रहे हो बेटा, आप लोग का जवाब भी सही आ रहा है, अच्छे ने सही जवाब दे दिया है। सुचिता, सीमा, सीमा डी नहीं होगा भाई, सी होगा। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फॉर इज, भाई 167 का जवाब दीजिए। तो आपको बच्चे पता होगा दैट इज स्लाइटली मोर देन, पूरा अगर याद होना चाहिए तो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, तो आंसर इज फर्स्ट। लेकिन बच्चों आपको पता है IUCN 2004 का है, लेकिन जो रियल डाटा है वो क्या है, 1.7 to 1.8 मिलियन है, ये आपका लिविंग वर्ड में दिया हुआ है। अरे भाई 167 बी नहीं होगा, बिलियन है, बा है, बिलियन और मिलियन में अंतर होता है बच्चा। अनुश्री, अरे बिलियन नहीं होगा यार, मिलियन होगा, बिलियन कहां से हो जाएगा, मिलियन है। व्हाट इज द कॉमन टू द टेक्निक्स गिवन बिलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट, टिश्यू कल्चर, ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड लार्ज स्पेस, ऑल आर इन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, एक्स सीटू, बेटा एक्स सीटू है, अल्ट्रा मॉडर्न की कोई जरूरत नहीं है। टिश्यू कल्चर आप बेटा सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी कर सकते हो।
क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन लिक्विड। तो आंसर इज थर्ड 169। बेटा वर्टिब्रेट में ए बी सी डी पहचानना है, तो मैंने बोला था आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाइए, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है ना। तो ए क्या है बेटा, मछली है, बी क्या है, बर्ड है, तो आंसर इज सेकेंड। और बेटा ये तो आपका पहचानने का ऑर्डर है, लेकिन आपको अगर पहचानना है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो याद कर लीजिएगा एफ बी राम, ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्पीसीज का। स्पीसीज का बच्चों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। एफ बी राम ये बेटा पहचानने वाला है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। अगर बेटा जानना सबसे ज्यादा फिशेस है, फिर बर्ड है, फिर रेप्टाइल है, फिर एम्फीबियन है, फिर मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बींग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। तो आपको पता होगा बेटा कुछ भी कर लो आप बच जाओगे, लेकिन घर छीन लिया जाए तो आप बच नहीं पाओगे। हाँ भाई जैसे भी याद कर लो आप लोग, 171, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेटा इन्होंने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, क्या हुआ था एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, लॉग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कई बार बता दिया, लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जेड क्या होता है, स्लोप होता है, रिग्रेशन कोफिशियंट होता है, 0.12 0.2 नॉर्मल होता है, 0.62 1.2 बेटा इंटायर कॉन्टिनेंट का होता है, और 1.15 होता है बेटा फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स। वन सेवेंटी टू, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो बेटा एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं, दैट इज रिवर डॉल्फिन, ठीक है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन था। तो नेशनल की बात करते हैं तो डॉल्फिन है। ये याद कर लीजिएगा आप। 173, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। तो बेटा ये क्या होता है, एक्स यू टू है, पहले एक्स यू टू में बेटा प्लांट और एनिमल को रखते थे, फिर बेटा जीन बैंक, स्पर्म, इन सबको रखा गया, यानी ये एडवांस एक्स यू टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। 174, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज दैट इज IUCN, ठीक है ना बेटा। और बेटा IUCN को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और बेटा जो रेड लिस्ट बनाई जाती है ना, तो इसमें बेटा एक होता है एक्सटिंक्ट EX, एक होता है बेटा EW, ठीक है ना। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुका है, इसका कहीं भी कोई मिलता नहीं है। EW मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है, कहाँ पर होता है बेटा, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होता है, यानी इसके तो बेटा वाइल्ड यानी नेचुरल कंडीशन में एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन भाई अभी वाइल्ड में पाया गया है, वाइल्ड में खत्म हो चुका है लेकिन नेचुरल कंडीशन में बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेटा जरूर याद कर लेना EX एंड EW। इसके बाद बेटा अब पूछा जाता है खतरा, तो एक होता है बेटा CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर EN मतलब एंडेंजर्ड, फिर उसके बाद बेटा वल्नरेबल VU, ठीक है ना। ये तीनों याद होना चाहिए, CR EN VU। ये बेटा क्रिटिकली इनडेंजर्ड है, ये एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है। EX मतलब एक्सटिंक्ट, वाइल्ड में खत्म हो चुका है, नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुका है, प्रिजर्वेशन में भी खत्म हो चुका है। ये बेटा वाइल्ड में खत्म हो चुका है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आपने अपने जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन में बचा के रखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को, उससे कम एंडेंजर्ड, उससे कम वल्नरेबल। 175, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वाल्मीकि
नागा, अर्जुन सागर, श्री साइलाम, पेरियार, नागर होल। हाँ भाई स्विट्जरलैंड में है उसका, ठीक बताया तुमने। तो बच्चों नागा, अर्जुन सागर, श्री साइलाम, ये आपको पता होगा बेटा लार्जेस्ट है टाइगर रिजर्व इन इंडिया। और बेटा अगर पेरियार के पूछा जाते हैं बेटा एलिफेंट के लिए है, केरला में। और बेटा एक मानस नेशनल पार्क भी याद कर सकते हो एलिफेंट के लिए, मानस पूछा जा गया है नेशनल पार्क, ये बेटा एलिफेंट के लिए है, आसाम में है। ये दोनों तो आपको याद ही होना चाहिए, पेरियार एलिफेंट के लिए बेटा केरला का है, मानस नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए बेटा असम में है, वाल्मीकि और नागरहोल ये बेटा टाइगर के लिए होते हैं। ठीक है बाकी ज़्यादा याद मत करिए इतना, लेकिन पेरियार आया है कहीं ना कहीं और मानस आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो बिना किसी डाउट के क्या हो जाएगा बेटा, राइस 50,000 से ज़्यादा, मोर देन 50K, और बेटा मैंगो का कितना है 1,000। बाकी इन सब के बहुत सारे, इसका वेट के बेटा 20 से 50 हो सकते हैं, डाटा मुझे क्लियर नहीं है, ग्राउंड नट का भी बेटा 100 से कम ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 177, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए जवाब दीजिए भाई, यस राइट 177, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 178, सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन जनरेटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन, कंजर्विंग बेटा रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो ये आपको याद होना चाहिए था बच्चा, और एक पॉइंट और याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, खासी एंड जयंथिया मेघालय का, जयंथिया को खासी हो गई किससे, मेघा से। इसके बाद बेटा अरावली में रा है राजस्थान याद कर लेना, सरगुजा चंदा बस्तर होता है बेटा आपका मध्य प्रदेश का, और बेटा वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक का भी क्या होते हैं बेटा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भी सेक्रेट ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। 179, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, फंजाई, इंसेक्ट, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म। तो बेटा आपको पता होगा कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा होगा, मोर देन 70% क्या होते हैं एनिमल्स, और उसमें बेटा सबसे ज्यादा क्या होते हैं बेटा आपके इंसेक्ट, इंसेक्ट का नंबर ज्यादा होता है। जैसे कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से एक डाटा उठा के आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बेटा आपका इंसेक्ट होते थे मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स होते थे। हाँ मेघा मतलब बारिश भाई। वन एटी, वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2010 बेटा ये हुआ था साउथ अफ्रीका में और जोहान्सबर्ग था एरिया का नाम। और ब्राजील रियो डी जेनरो, ईयर है बेटा 1992, अर्थ समिट। दोनों याद होना चाहिए बेटा, बहुत बात पूछता है। तो अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनरो ब्राजील, और बेटा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड समिट ईयर 2002। 190 कंट्री प्लेस टू गिव देयर
कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा ये था आपका सीआरटी टेस्ट नंबर 26, टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब बेटा इस चैप्टर के जितने भी डाटाज हैं एक पेज में लिख के रख लीजिए, लास्ट समय में जिस दिन पेपर देने जाइएगा एक दो दिन पहले पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर टेकिंग द क्लास। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।